कैसे आप लोग? मैं हूँ आपका दोस्त असद अली। आप देख रहे हैं गेम में टूटोजोन। तो आज मत करने वाले हैं ऑफलाइन का सेल गेम बताऊंगा जो अभी इसी मंथ में और पिछले मंथ में लॉन्च हुआ है। तो वीडियो ना देखना, चैनल पर बनाया, चैनल आगे सब्सक्राइब करना ताकि इस तरह की वीडियो टाइम टाइम पूछते रहे। तो इस आप लोगों ने इस गेम का साइज तकरीबन हो सकता है जितने भी गेम में आप बताऊँ ये इसका साइज तकरीबन 1 GB से भी क्रॉस कर जाए, लेकिन आपको ग्राफिक्स क्वालिटी उसकी अच्छी देखने को मिलेगी। इस लिस्ट में जब फर्स्ट नंबर पर गेम खेला जाता है इस गेम का नाम है ड्यूलक्स एक्स। ड्यूलक्स एक्स में क्या करना होता है भाई, यहाँ पर आपको मिशन कम्प्लीट करने होते हैं, छोटी छोटी स्टोरीलाइन कम्प्लीट करनी होती है। यहाँ पर आप लोगों ने मिशन कम्प्लीट करके यहाँ पर स्टोरीलाइन आगे बढ़ानी होती है। तो आपको स्टोरीलाइन वाले गेम पसंद है जिसमें आपको मिशन भी थोड़े थोड़े देखने मिले और आपको ग्राफिक भी अच्छी देखने को मिले, तो इस गेम को लाभ में ट्राई करना। ये प्ले स्टोर पर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आके आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं। बाकी यहाँ पर आप ग्राफिक देख सकते हो, बिल्कुल तो आपको ग्राफिक भी अच्छी देखने को मिली। ये गेम लूप और टॉप स्टार कंपनी कंपनी एक ही नाम है, तो उनने मिलकर बनाया था गेम को, लाभ में ट्राई करना। इसकी ग्राफिक आप देख रहे होगे जैसे मैं PC गेम खेल रहा हूँ, नहीं भाई ये मोबाइल गेम खेल रहा हूँ, ये PC गेम नहीं है। इस लिस्ट में जो सेकंड नंबर फिल्म निकल गया था इस गेम का नाम है रोजो स्ट्राइक, तो इसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल में रिव्यू वाली वीडियो बनाई हुई, तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, आई बटन में लिंक आ रहा होगा, हमारी वीडियो को लाजमी जाकर देखना, वहाँ पर आपको सारे रिव्यू देखने को मिल जाएगा। इसके कितने डाउनलोड डाउनलोड हो चुके हैं, डाउनलोड्स इसके बता दूँ, डाउनलोड अभी के टाइम पर इसके डाउनलोड्स की बात करें, डाउनलोड इसके मिलियंस में डाउनलोड है, और रिव्यूज़ की बात करें रिव्यूज़ भी इसके लाखों में रिव्यूज़ हैं। तो इस गेम को लाजमी ट्राई करना। यहाँ पर आपको फ्यू करेक्टर देखने को मिलता है, थर्ड पर्सन शूटिंग भी है और ये सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन भी है। फर्स्ट पर्सन ऐसे यहाँ पर आप सिम गन और हाथ भी देख सकते हैं, यानी अपने करेक्टर की सेटिंग भी कर सकते हैं, जैसे PUBG में होता है वैसे ही आपसे गन दिखाना चाहते हैं तो गन भी दिखा सकते हैं, अगर आपको पूरे पूरा प्लेयर दिखाना है वो भी दिखा सकते हैं। इसलिए इसमें जो थर्ड नंबर गेम निकल गया था इस गेम में शैडो फाइट, तो शैडो फाइट 2 हम लोग बात कर रहे हैं, शैडो फाइट 2 फैस का मैंने पूरा रिव्यू करा हुआ है इस गेम का। जितने भी लिस्ट में मैं गेम बताऊँगा तकरीबन मैंने उन गेमों का रिव्यू करा हुआ है, उन पर डाउनलोड नहीं रिव्यू पर प्रॉपर बताया हुआ कैसे डाउनलोड करना है कैसे नहीं करना, आपको डाउनलोड करने का कोई मसला होता है तो मेरी वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। इस गेम का साइज़ के बारे में बात करें, साइज़ इसका 130 MB के अंदर देखने को मिल जाता है, और इसके डाउनलोड्स की बात करें डाउनलोड्स इसके तकरीबन 13 मिलियन और 12 मिलियन इसके डाउनलोड हो चुके हैं सिर्फ प्ले स्टोर पर नहीं, इसके अदर वेबसाइट्स पे अगर सारे कंपेयर कराए जाए तो 13 से 12 मिलियन के करीब इसके डाउनलोड हो चुके हैं। और ये कब रिलीज हो रहा है, आज से 3 साल पहले रिलीज हुआ था, लेकिन इसकी अपडेट आई थी तो मैंने सोचा इस लिस्ट में इसको ऐड करना चाहिए। तो इस लिस्ट का जो फोर्थ नंबर गेम निकल गया अतः इस गेम लिस्ट में इस गेम का नाम है हाई वाटर। हाई वाटर का साइज़ भी तकरीबन आप लोग को देखने को मिल जाता है यहाँ पर 400 से 500 MB के अंदर देखने को मिल जाता है, वो आप इसको इंस्टॉल करते हैं, इसका डाटा भी होता है, PK होती है, सारी चीज़ आपको इंस्टॉल करने के बाद आपके इसका साइज़ आपको तकरीबन पड़ जाता है 400 से 500 MB के अंदर। तो इस गेम को लाजमी ट्राई करना है। यहाँ पर करना क्या होता है भाई, यहाँ पर आपको एडवेंचर और छोटे छोटे मिशन होते हैं वो कम्प्लीट करने होते हैं। आप स्कूल लाइफ वाला गेम है, बच्चे कैसे बचते हैं, यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें बच्चे कर रहे होते हैं वही चीज़ आपको देखने में मिलती है। यहाँ पर हम लोग उसमें एक समंदर पर टूर पर जाते हैं 4 दोस्त, तो वो कम्प्लीट करना होता है, तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे मिशन होते हैं वो कम्प्लीट करना होता है। यहाँ पर आपको ग्राफिक थोड़ी ऑटोमेटिक देखने को मिलती है, लेकिन आपको चीज़ें बड़ी यूनिक देखने को मिलती है गेम के अंदर, यानी जो स्टोरी लाइन है वो एक यूनिक देखने को मिलती है, कोई किसी चीज़ की कॉपी नहीं है, यहाँ पर नए कॉन्सेप्ट के ऊपर गेम बनाया गया है। इसलिए इसमें जो फिफ्थ नंबर गेम आता है इस गेम का नाम है होलो, तो यहाँ पर होलो में क्या देखने को मिलता है भाई, यहाँ पर इस गेम का साइज के बारे में करें, इसका साइज़ का आपको मैं बता देता हूँ 130 MB का साइज़ है इसका। उसकी डाउनलोड्स की बात करें, डाउनलोड्स इसके तकरीबन मेरे ख्याल से इसके 200 से ऊपर क्रॉस कर गए जब मैंने एक हफ़्ते पहले ये गेम का रिव्यू के ऊपर वीडियो बनाई थी, तकरीबन इसके डाउनलोड से 150 के इसके डाउनलोड्स थे ये, क्योंकि अभी नया गेम निकल के आया था उसके डाउनलोड थोड़े कम है। और रिव्यू की बात करें, रिव्यू इसके 13,000 से 15,000 तक रिव्यू पहुँच चुके हैं इसके अभी, इसके ये पिछले महीने रिलीज़ हुआ है। इस गेम का साइज़ को मैं बताया, साइज़ मैंने आपको बता दी 130 MB, और यहाँ पर गेम कैसा भाई, गेम आप लोग को थोड़ा सा एडवेंचर देखना मिलेगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के गेम को खेलना पड़ेगा, यहाँ पर आपको दिमाग की ज़रूरत पड़ेगी। इस लिस्ट में जो सिक्स नंबर पर गेम निकल जाते हैं ये कार रेसिंग गेम है, यहाँ पर कार रेसिंग गेम है, आपको रनिंग तो नहीं कहेंगे, यहाँ पर रेसिंग करनी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड होता है आपको, अपने अजीब रोड भी आते हैं बीच में, कभी कार स्ट्रेट रोड होता है, कभी कार ऐसा रोड होता है जैसे आप लोगों को खाने पीने की चीज़ों में से गाड़ी रोड गुजारनी होती है, उससे अभी डोनट के अंदर से मैंने गाड़ी गुजारी। तो यहाँ पर लेवल्स होते हैं, ये लेवल्स जैसे गेम है, यहाँ पर आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 इस टाइप का आपको लेवल देखना मिलता है, वो कम्प्लीट कर देंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। तो आप लेवल्स वाला भी गेम पसंद है आपको,
तो इस गेम को लाजम ट्राई करनी हो। ये हमारा 6th नंबर पर गेम है जिसमें, जो हमारे पास 7th नंबर पर गेम निकल के आता है इस गेम में नाना हॉरर टाइटल। तो यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर एक बच्चा होता है जिसको बंद करके रखा होता है, वो जहाँ पर बंद करके रखा होता है उस जगह से वो जैसे वो सोता है एक साथ, तो दूसरी रात जब वो सुबह उठता है तो उसको नई जगह देखने मिल जाती है जहाँ पर उसे सोया था। वो जगह पर वो बंदा बच्चा नहीं मिलता, कहीं और किसी और के घर में वो मिलता है, वो वहाँ पर बंद हो जाता है एक कमरे में, तो वहाँ से उस बच्चे को निकालना होता है। तो इस टाइप की स्टोरी लाइन देखने को मिलती है इस गेम के। साइज भी बरम करें, साइज़ आपको तकरीबन देखना मिल जाता है 600 MB के अंदर अंदर, और जब ये इसकी अपडेट आती रहती है ये प्ले स्टोर पर आपको देखना मिल जाएगा। इसमें जो 8th नंबर पर गेम निकल करते हैं, यहाँ पर आपको भाई रनिंग करते हुए बाइक चलानी होती है, रनिंग करते हुए सॉरी फाइटिंग करते हुए यहाँ पर बाइक चलानी होती है। तो यहाँ पर आपको फाइटिंग करते हुए कैसे बाइक चलानी है, जैसे मैं आपको गेम प्ले दिखा रहा हूँ इस तरह आपने बाइक चलाते हुए फाइटिंग करनी होती है। यहाँ पर तलवारें होती हैं, आपके डंडे होते हैं, आपने आस पास जितने भी आपके ओपनिंग प्लेयर हैं आपके, अगर आपके बराबर में आगे तो उसको आप मुक्का मार के आपके हाथ में जो वेपन होगी उससे मार के आप उससे रेस आगे मार सकते हैं। ये रेसिंग गेम है, यहाँ पर आपको बाइक रेसिंग करनी होती है और फाइटिंग करनी होती है बाइक पर बैठे बैठे। यहाँ पर आपके इस गेम के साइज़ के बात करें, साइज़ आपको तकरीबन 400 MB के अंदर में देखना मिल जाता है। और इसका पॉपुलरिटी बात करें, पॉपुलरिटी इसकी तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। इसलिए इसमें जो 9th नंबर का गेम निकल के आता है ये भी एक हॉरर कैटेगरी से निकल के आता है। ये पजल बेस्ड गेम है, यहाँ पर आपको पजल सॉल्व करने होते हैं, पजल वाले कार्टून वाले, आपने एक यहाँ से ब्लॉक उठाया दूसरे ब्लॉक पर आपको पजल सॉल्व, यहाँ पर इस टाइप के पजल्स नहीं होते, दूसरे टाइप के पजल्स होते हैं, यानी पहेलियाँ सुलझानी होती हैं और आप लोग को एक पहेली दे दी जाती है वहाँ और आपको उसको सुलझाना होता है, फिर आप आगे बढ़ते हैं। इसमें भी लेवल होते हैं, जैसे जैसे लेवल आप आगे बढ़ते जाएंगे इसमें पहली जो होती है मुश्किल होती जाती है। इस लिस्ट में जो लास्ट नंबर पर गेम निकल करता है उस गेम का नाम हैक। तो यहाँ पर हैक में क्या करना होता है कि यहाँ पर हैक आपको 300 MB का साइज देखने को मिलना है। इस गेम के डाउनलोड्स की बात करें, डाउनलोड्स तकरीबन इसके हो चुके हैं 1 मिलियंस की तरफ फ्री में डाउनलोड हो चुके हैं। उसके रिव्यू की बात करें 200 के या फिर 2 लाख 3 लाख इसके रिव्यू भी हो चुके हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इस गेम के बारे में लोगों ने कही है, रिव्यू आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या होता है, यहाँ पर आपको छोटा सा आपको करेक्टर देखना मिलता है, छोटे से मुरादे आपको लेफ्ट साइड कोर्ट से आपको दिखाया जाता है कैमरा। इसके टॉप व्यू होता है, एक लेफ्ट व्यू होता है, एक राइट व्यू होता है, एक बॉटम व्यू होता है, तो इसको लेफ्ट से दिखाया जाता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके लाजम बताना, चैनल पहले बनाए चैनल सब्सक्राइब करना ताकि इस तरह की वीडियो आपके फर्स्ट रहें, पहुँचते रहें। इंटर नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़।